हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, लड़की अगर आपको भाई बोले तो उसे कैसे पटाएं, या लड़कियां भाई क्यों बोलती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी किसी लड़की को लाइक करते हैं या उसे पसंद करते हैं, उस लड़की ने आपको भाई बोल दिया है तो आपको बहुत हर्ट हुआ है? तो फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि लड़की अगर भाई बोलती है तो उसे कैसे पटाएं, या लड़कियां भाई क्यों बोलती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लड़कियों के भाई बोलने के तीन कारण होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट रीजन की, लड़कियां भाई क्यों बोलती हैं। फर्स्ट रीजन है, या तो लड़की आपसे एज में बहुत ज्यादा छोटी है, इस वजह से आपको भाई बोलती है, या फिर आपकी जूनियर है, आपके स्कूल में, कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में क्लासमेट है, इस वजह से आपको भाई बोलती है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, इसको कैसे ट्रीट करना है, हैंडल करना है। तो दोस्तों, अगर लड़की आपसे एज में बहुत ज्यादा छोटी है तो वो आपको भाई बोलती है, तो उसको ऐसे ही बोलने दीजिए। आपको उसको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, छोटी है तो जाहिर सी बात है वो आपको भाई बोल सकती है। लेकिन वहीं अगर लड़की आपकी जूनियर है लेकिन आपकी एज से सिमिलर है, आपकी एज के बराबर है और आप दोनों की बात बन सकती है, रिलेशन चल सकता है, तो वो लड़की अगर आपको भाई बोलती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सीधे सीधे जाके उस लड़की से बात कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि मैं तुझे लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मुझे भाई मत बोलो। अगर वो लड़की भी आपको लाइक करती होगी, आपको पसंद करती होगी, तो दोबारा से आपको भैया नहीं बोलेगी, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन भैया कभी नहीं बोलेगी, और इस तरीके से आपकी बात बन सकती है। अगला है, कहीं ना कहीं लड़कियों को ये पता होता है कि आप उन्हें लाइक करते हो, उन्हें पसंद करते हो, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर आपको भैया बोलती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को लड़कों को जलाने में, उनसे भाव खाने में बहुत अच्छा लगता है, और वो जानबूझकर आपको भैया बोलती है ताकि आप उससे जले, ताकि आप उनके भैया बोलने में बहुत ज्यादा जेलस फील हो, उनसे जलते हैं। और लड़कियों को इस तरह से बहुत मजा आता है लड़कों को जलाने में, उनसे भाव खाने में, और इसलिए आपको भैया बोलती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको फर्स्ट वाला अप्लाई नहीं करना है कि आप सीधे जाकर लड़की से बोल दें कि आप उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लड़की पहले से ही आपसे भाव खा रही है, आपको जलाने के लिए वो आपसे आपको भैया बोल रही है। तो अगर आप ऐसा करेंगे वो और ज्यादा आपको भैया बोलेगी। तो इसके बदले में आपको ये करना है कि जब जब वो लड़की आपको भैया बोले तो आपको रिप्लाई में ये कहना है कि हाँ बहना, जैसे कि आप अपनी बहन से बात करें, अपनी बहन की तरह ट्रीट करें। अगर वो लड़की भी आपको लाइक करती होगी, आपको पसंद करती होगी, तो वो दोबारा से आपको कभी भी भैया नहीं बोलेगी। बेशक कुछ भी बोल दे, लेकिन भैया कभी नहीं बोलेगी। अगर उस लड़की के दिल में भी आपके लिए कुछ फीलिंग्स होंगी, कुछ ना कुछ जरूर सोचती होगी, तो आपको भैया कभी नहीं बोलेगी, और इससे आपकी बात बन सकती है, और इससे लड़की आसानी से पट भी सकती है। अगला है, कुछ लड़कियां इतनी ज्यादा चालाक होती हैं जो अपने मतलब के लिए लड़कों को घुमाती हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करती हैं, अपना काम निकलवाती हैं, इधर उधर घूमती हैं, और बाद में उनको भैया बोल देती हैं, बदले में उन्हें कुछ नहीं देती हैं। तो ऐसी लड़कियों से आपको हमेशा बचना है, दूर रहना है। वही बात करें उन लड़कियों की जो आपसे काम निकलवाती हैं, बदले में आपको कुछ ना कुछ जरूर करती हैं, आपके लिए भी कुछ करती हैं, और लेकिन उसके बाद भी अगर आपको भैया बोलती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। आप उनके साथ बहुत ज्यादा सीरियस हो, या फिर बहुत ज्यादा प्यार से बात करते हो, पोलाइटली बात करते हो, ताकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता भैया बोलने के सिवाय, इस वजह से वो आपको भैया बोलती हैं। तो इसीलिए अगर लड़की आपकी दोस्त है तो उनसे बात करते समय थोड़ा बहुत फ्लर्ट करें, ताकि लड़की आसानी से समझेगी और वो दोबारा से आपको भैया नहीं बोलेगी, और इससे आपकी बात भी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे सिंपल तीन तरीके जिसके जरिए जो लड़की आपको भैया बोलती है उसे भी आप पटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।